जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर। एंड देखा जाए तो तीन चीजें यहाँ पे हमको इस कंपनी से आज आने वाली थी, जिसके अनाउंसमेंट्स आज होने वाली थी। पहली चीज़ें तो ये थी कि आज इनका क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने वाला था। एंड उसी के साथ साथ जो जिस पे सबसे ज़्यादा नज़रें थी दोस्तों, दूसरे पॉइंट वो था यहाँ पे बोनस से रिलेटेड। एंड तीसरी पॉइंट की अगर हम बातें करें तो डिविडेंड से रिलेटेड यहाँ पे हमको ये तीसरी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सभी को मैं एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पे देने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे हम इनका रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले हम बता दें कि हमारी जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पे बोनस आप लोगों को दे दिया है। उसी के साथ साथ अगर बात करें डिविडेंड की तो हमारी कंपनी ने यहाँ पे आपको डिविडेंड भी दे दिया है। तो ये सभी चीज़ें हम आगे कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम सीधा हैं इनके रिजल्ट पर ही हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी ने यहाँ पे बोनस दिया है। एंड यहाँ पे आप जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी ने जो यहाँ पे बोनस शेयर दिया है वो 1:1 के फॉर्म में दिया है। मतलब अगर किसी के भी पास इनके एक शेयर्स होंगे तो यहाँ पे एक शेयर्स और उनके वहाँ पे मिलते हुए हमको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही शानदार न्यूज़ यहाँ पे हमको आते हुए देखने को मिल रही है कि यहाँ पे हमारी कंपनी बोनस देने जा रही है। उसी के साथ साथ अगर हम अपनी कंपनी का दूसरे टॉप पॉइंट की बातें करें तो आप देख सकते हैं कि जो डिविडेंड से रिलेटेड है यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा है कि जो डिविडेंड है वो फाइनल डिविडेंड के तौर पर हमको देखने को मिल रहा है, जो कि ₹3 पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से आपको मिलने वाला है। फाइनल डिविडेंड का डिफिनेशन अभी मैंने जस्ट लास्ट वीडियो में आपको बताया कि फाइनल डिविडेंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे अभी जो शेयर होल्डर्स हैं उनका परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद जा कर के जब वो परमिशन दे देंगे तब जा कर के यहाँ पे आपको फाइनल डिविडेंड जो ₹3 है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो गजब की यहाँ पे दोनों चीज़ें ही देखने को मिली, पहले तो बोझना दूसरा डिविडेंड। सो अब हम चलते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट भी अगर हमको अच्छा देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा बहुत ही गजब की बात, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सोने पे सुहागा जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे जो भी बातें होंगी आप देख सकते हैं ₹3 लाख में होने वाली है। एंड उसी के साथ साथ जैसे हर बार की तरह इस बार भी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी डाटा देखने को मिला मार्च 21, यहाँ पे दिसंबर 20 एंड यहाँ पे लास्ट ईयर 20 का डाटा आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले टोटल इनकम की अगर बातें करो तो आप देख सकते हैं कि 1,14,320 यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, जबकि लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं 1,14,446, जबकि लास्ट ईयर की बात करते हो 1,02,031 आपको देखने को मिल रहा है। सो इस बार का जो प्रॉफिट है रेवेन्यू है दोस्तों वो लास्ट ईयर बेस से बहुत ही अच्छा हमको देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टर बेस से बात करें तो सेम ही लगभग हमको देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम एक्सपेंसेस की बातें करें तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस है वो इस बार 97,937,936 आपको देखने को मिली, जबकि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 94,565, लास्ट ईयर की बात करें तो 88,732। तो एक्सपेंसेस यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टर बेस एंड ईयरली बेस दोनों ही बेस पे हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो हमको यहाँ पे अधिक बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जिस वजह से हमारे जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर प्रॉफिट बात करें एक्सेप्शनल आइटम बिफोर एक्सेप्शनल आइटम तो आप देख सकते हैं कि 16,384 यहाँ पे आपको देखने को मिले, जबकि लास्ट क्वार्टर 19,881, लास्ट ईयर की बात करें 13,299। सो जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के बेस से अगर बात करें तो करीब 50% आपको यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले, जबकि लास्ट क्वार्टर से बात करें तो थोड़ा सा हमको गिरते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक ठीक ही है। हम कह सकते हैं कि यहाँ का यहीं तक का अगर हम रिजल्ट बात करें प्योर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख के कह सकते हैं कि आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए आराम से यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं बेझिझक दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे हमको अच्छा ही देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर नेट प्रॉफिट की अगर बातें करें तो आप देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो भी 13,384 आपको इस बार देखने को मिल रही है, जबकि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 16,181, लास्ट ईयर की बात करें तो 10,699। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो
क्वार्टरली बेस पे हमको गिरावट देखने को मिल रही है एंड ईयरली बेस पे हमको बढ़त देखने को मिल रही है, जिस तरह के हमने यहाँ पे पहले एक बिफोर एक्सेप्शनल आइटम में देखा था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनका रिजल्ट हमको अच्छा ही देखने वाला है, देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम कल की बातें करें तो कल इस कंपनी में आपको बिना सोचे समझे इस कंपनी में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, जो कि बोनस और डिविडेंड से रिलेटेड यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएगी। उसी के साथ साथ अगर हम अर्निंग पर शेयर की अगर हम बातें करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7.68 आपको देखने को मिला, लास्ट क्वार्टर 9.29 एंड लास्ट ईयर की बातें करें तो 6.14। सो सेम प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी आपको देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर हम अपनी कंपनी के ऊपर आ गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज के यहाँ पर हम बातें कर रहे थे। सो यहाँ पर रिजल्ट तो बहुत ही शानदार हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी आपको आज हरे निशान में ही देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ वन ईयर्स का भी रिटर्न देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं कंपनी ऊपर ही जाते हुए हमको देखने को मिल रही है। मैक्सिमम 5 साल की अगर बात करें तो भी कंपनी आप देखिए कितनी शानदार तरीके से धीरे धीरे करके ऊपर जाती ही हमको जाते हुए देखने को ही मिल रही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या शानदार तेजी आपको इस कंपनी में देखने को मिल रही है। 21 साल में 77,804% का रिटर्न ये कंपनी ने आपको दिया। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट थे, अगर दोस्तों यहाँ पे ये बोनस नहीं भी देते तो भी कोई बात नहीं, डिविडेंड नहीं देते तो भी कोई बात नहीं, उसी के साथ साथ अगर रिजल्ट भी यहाँ पे हमको इनका थोड़ा बहुत खराब देखने को मिलता था तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो एक बार के लिए हम यहाँ पे रिजल्ट को इग्नोर करके यहाँ पे चल भी सकते हैं। एंड बोनस डिविडेंड के पीछे तो हम कभी भागते ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपको बोनस डिविडेंड बायबैक स्प्लिट जैसी चीजें हमेशा आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप इस कंपनी को भी यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर इस कंपनी का अगर हम बातें करें तो एक केमिकल सेक्टर में आने वाली एक फंडामेंटल सुपर डुपर स्ट्रांग कंपनी हमको देखने को मिलती है। एंड अगर आज के डिलीवरीज की बातें करें तो आप देख सकते हैं कि जो आज की डिलीवरी है वो करीब नॉर्मली हमको देखने को मिल रही है, 18-19% की डिलीवरी उठते हुए हमको देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल अब अगर हम कंक्लूजन पर आ जाए तो इनका जो रिजल्ट है वो तो हमको अच्छा देखने को मिला है, तो रिजल्ट को एक किनारे रख दीजिए दोस्तों। यहाँ पे बोनस और डिविडेंड वो भी हमको अच्छा देखने को, मतलब बोनस डिविडेंड अच्छा क्या दोस्तों, एक अच्छी न्यूज़ हमको देखने को मिल रही है। सो बोनस डिविडेंड एंड रिजल्ट सब के सब यहाँ पे हमको बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है, जिस वजह से इस कंपनी में आपको कल 100% इस कंपनी में तेजी ही देखने को मिलने वाली है। एंड अगर तेजी नहीं भी देखने को मिलती तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कंपनी है वो फुल्ली फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है एंड लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देने वाली भी कंपनी देखने को मिल रही है। सो सबसे पहली बात, यहाँ पे बोनस देने का ऐलान किया है तो रिटर्न तो कल तो तेजी आना बहुत ही मतलब तेजी तो आएगी ही आएगी, ऐसा तो मुझको यहाँ पे लगता है। एंड यहाँ पर अगर आप चाहें तो पोजिशनल ट्रेडिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।